वेलकम बैक टू माई वीडियो। आप लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अच्छी तरीके से होंगे फ्रेंड्स, और आप लोगों की गार्डनिंग भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, विंटर सीजन आते ही देखिए गार्डन में एक पहाड़ सी आ जाती है, ये रंग बिरंगे फ्लावर ये देखिए फ्रेंड्स गार्डन में खिलने लगे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज का मेरा मेन टॉपिक है ये स्ट्रॉबेरी प्लांट्स के ऊपर। अब चलते हैं फ्रेंड्स अपने मेन टॉपिक के ऊपर। ये फ्रेंड्स ये स्ट्रॉबेरी का ये मेरा प्लांट है फ्रेंड्स। पहले फ्रेंड्स स्ट्रॉबेरी को एक वाइल्ड फ्रूट्स के तौर पे जाना जाता था, लेकिन फ्रांस में सबसे पहले इसको लगाया गया है 70s में। उसके बाद से ये एक कॉमन फ्रूट हो गया है। और फ्रेंड्स ये बहुत इससे फ़ायदे भी हैं, और इसमें विटामिन्स ए सी के और फास्फोरस कैल्शियम पाया जाता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट है और फ्रेंड्स, और ये हर्बल मेडिसिन में तो ये यूज़ किया जाता है ये। और एक तरह से फ्रेंड्स समझ लीजिए कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आजकल इसकी बहुत ही लार्ज स्केल में फार्मिंग हो रही है फ्रेंड्स। ये एक हार्ट शेप का ये फ्रूट है, और ये एक ऐसा फ्रूट है जिसके सीड जो है, ये देखिए फ्रेंड्स ये बाहर की तरफ आपको ब्राउन ब्राउन दिखाई दे रहे होंगे। एक ये एक अनोखा फल है कि जिसमें सीड जो है बाहर की तरफ हो जाते हैं। जब ये पक जाते हैं तो देखिए इस तरह से इसका फ्रूट होता है, बिल्कुल रेड कलर का, और सीड जो है वो बाहर की तरफ होते हैं, और देखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये हार्ड शेप का ये एक जूसी फ्रूट है ये, और ये बहुत ज़्यादा ही फ्रेंड्स ये इसका जूस और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और इसका फ्लेवर जो है अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जाता है। ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ही आजकल यूज़ हो रहा है ये, और इसका फ्लेवर भी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। ये इस खट्टा मीठा होता है, और इसकी स्मेल भी फ्रेंड्स बहुत अच्छी होती है ये। और ये सीड और रनर दोनों तरीके से लगाया जाता है। जब ये मदर प्लांट हो जाता है तो इसमें इसके ये जो क्राउन है यहाँ से, ये देखिए फ्रेंड्स ये देखिए एक ये रनर निकल रहा है, यहाँ से इसके रनर निकलते हैं ये। और ये सीड से तो लगाना घर में बहुत ही मुश्किल होता है, नर्सरी से छोटे छोटे से प्लांट मिल जाते हैं, उनको हम लोग ला करके लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने एक प्लांट लगाया, और बहुत जल्दी इसमें ये फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है ये। और ये देखिए ये प्लांट कितना बड़ा हो गया, एक साल लगा लीजिए तो ये आपके गार्डन में कई साल तक ये प्लांट्स रहेगा। और इसके फ्रूट्स देखिए कितनी जल्दी ये पकने भी लगते हैं, और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये, और खाने के इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं ये। इसको फ्रेंड्स आप लोग अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। मैं ये समझती हूँ कि हमारे गार्डन में जब हम लोग सुबह सुबह अपने गार्डन में आते हैं ये फ्रूट्स और फूलों को देखते हैं तो कितनी खुशी होती है। और ये पका हुआ फल जो है ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है ये, इसको अब मैं तोड़ लूँगी। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। हैप्पी गार्डनिंग।